हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी, और कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन क्या है, और उसके जितने भी हैं कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, या कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होती हैं और एलोस्टेरिक साइट्स क्या हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, और हमारा एंजाइमोलॉजी का एक वीडियो पहले भी पढ़ चुका है तो उसको आप देख सकते हैं, और एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद एंजाइमोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एंजाइम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग तीन वीडियो में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे से लेकर 1 घंटे 20 मिनट में आप पूरी एंजाइमोलॉजी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में, या बायोकेमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं यार तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए भी लाइक कीजिएगा, लाइक कर दो, थैंक्स फॉर लाइक। लाइक करने के लिए थैंक्स किया हूँ तो धोखा मत देना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, वीडियो आप सबके लिए ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। देखो, जो फैक्टर्स होते हैं एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, उसमें क्या है, एंजाइम का कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, और पीएच है, और साथ में एक्टिवेटर भी होते हैं, एक्टिवेटर जैसे मेटल आयन कह दोगे। तो ये 6 प्रकार के हुए जो तुम्हारे एंजाइम, यानी कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, कौन कौन से, एंजाइम कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच और एक्टिवेटर, कितने हो गए, 6। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे 1-1 करके। तो पहला लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए, मान लीजिए आपके पास में 4 एंजाइम है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 हैं। तो चारों को लेकर जाके वो प्रोडक्ट में 4 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल हैं और 4 एंजाइम हैं, तो 4 एंजाइम के 4 एक्टिव साइट्स चारों पे जाके जुड़ेंगी और जाके वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में 6 प्रोडक्ट हैं, 6 सब्सट्रेट हैं, 6 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल हैं, लेकिन आपके पास एंजाइम 4 ही है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन होगा वो तो उतना ही है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कि राइट हैंड साइड पे रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि जो तुम्हारा एंजाइम कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी रिएक्शन की, यानी किसी रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कंसंट्रेशन की। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए ग्राफ, इसका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि जितना एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा उतना वेलोसिटी बढ़ रहा है। उसके बाद में अगला है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए सब्सट्रेट आपके पास में सब्सट्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय तो रिएक्शन तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लिमिट पे आके क्या होगा, फ्लैटेंड ग्राफ पाएंगे आप, यानी कि रिएक्शन लगभग कांस्टेंट हो जाएगी, और जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है रिएक्शन, उसे कहते हैं बी मैक्स, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन अटेन कर पाती है उसे क्या कहते हैं, बी मैक्स। तो इनिशियली सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनिशियली अगर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स कर्व गेट फ्लैटेंड, जो कर्व होगा फ्लैटेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आपके पास में सब्सट्रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एंजाइम तो कम है ना, एक्टिव साइट आपके पास में उतनी नहीं है, और जितनी एक्टिव साइट्स होंगी उतने मॉलिक्यूल उससे जुड़ेंगे और आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आता है, जिसे कहते हैं मिचेलिस कांस्टेंट, और इस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है आपसे मिचेलिस कांस्टेंट के बारे में। तो मिचेलिस कांस्टेंट को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो ये ग्राफ है, ये बी मैक्स ये दिखाया हुआ है, सबसे ऊपर जो पॉइंट गया क्या है, बी मैक्स है, और ये सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी में ग्राफ खींचा गया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में ग्राफ खींचा गया। तो जो
आधे पे कंसंट्रेशन आया, बी मैक्स बाई टू, ये क्या है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। तो वह सब्सट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बी मैक्स की आधी हो जाती है, उसे उस पे एक कांस्टेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, के एम, मैचेलिस कांस्टेंट। तो बी मैक्स बाई टू पर जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं, के एम, उसे क्या कहते हैं, के एम कहते हैं। तो बी मैक्स बाई टू पर जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन होगा उसे क्या कहेंगे, के एम, यानी कि मिचेलिस कांस्टेंट कहेंगे। अब मिचेलिस कांस्टेंट के बारे में कुछ चीज़ें और समझनी है। जो मिचेलिस कांस्टेंट होता है वो क्या है, वो स्पेसिफिक होता है हर एक एंजाइम के लिए, यानी कि ये सिग्नेचर की तरह काम करता है एंजाइम के, यानी कि हर एक एंजाइम के लिए के एम अलग अलग होगा, यानी कि स्पेसिफिक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मिचेलिस, अगर आपको लिखना आ जाए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। जो मिचेलिस कांस्टेंट होता है, के एम इज द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस बी मैक्स बाई टू, यानी कि बी मैक्स जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधा वेलोसिटी रह जाए उस पे जो कंसंट्रेशन होगा उसे क्या कहेंगे, के एम कहेंगे। डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट, ये उस स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है कि एंजाइम और सब्सट्रेट कितनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बताइए आप, अगर कोई एंजाइम किसी सब्सट्रेट से बहुत ही मजबूती से जुड़ी होगी, अगर किसी मजबूती से जुड़ी होगी तो एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सब्सट्रेट क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो केएम जो होता है, जो केएम होता है मिचेलिस कांस्टेंट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सब्सट्रेट। तो केएम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सब्सट्रेट। केएम जितना ज़्यादा होगा, केएम जितना ज़्यादा होगा, एफिनिटी एंजाइम की सब्सट्रेट के प्रति उतना कम होगी, यानी कि जितना ज़्यादा केएम एंजाइम उतना ज़्यादा इनएक्टिव। तो इसीलिए कार्ड इसी सिग्नेचर ऑफ एंजाइम भी कहते हैं, दैट इज स्पेसिफिक फॉर इच एंजाइम। तो ये कुछ पॉइंट हो गया, और आगे हम इसके बारे में देखते हैं। के एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो के एम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो कि इसका क्या मतलब हो गया, के एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन चाहे जितनी हो के एम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, के एम चेंज नहीं होगा। तो ये आपके के एम के बारे में हो गया। अब के एम के बारे में एक इक्वेशन देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, और कब क्या होगा, तो फार्मूला क्या चेंज होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो के एम का फार्मूला होता है, जैसे मैक्स जो बी नॉट होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है बी एम। देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू बी मैक्स इंटू सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आपको याद रहे, एग्जाम में लिख पाएँ तो आप लिख लीजिए, वरना पीजी के लिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए बी नॉट इज इक्वल टू बी एम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे हॉस्टल पे रहने का जरा सा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन चलो ठीक है। देखो बी नॉट इज इक्वल टू बी एम एस अपॉन के एम प्लस एस है, ठीक है। अब हम कैसे क्या कर दें, इसमें जो बी नॉट इज इक्वल टू बी एम आया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर है, क्या कर दें सर बताइए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, के एम को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और के एम को निगलेक्ट कब कर देंगे, जब के एम बहुत ही कम हो। तो के एम वेरी लेस कर दोगे तो बी नॉट इज इक्वल टू बी एम हो गया, यानी कि के एम को हटा दिया तो एस और एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी नॉट इज इक्वल टू बी एम होगा। वहीं पर अगर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है, तब उसी हिसाब से क्या होगा, जो के एम नीचे का होगा उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, जिससे फार्मूला आएगा बी नॉट इज इक्वल टू बी एम एस अपान के एम। अब हम देखते हैं अगला फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जब भी आप इंक्रीज करेंगे तो सब्सट्रेट जो एंजाइम का एक्टिविटी होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये इनहिबिट कर देगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को, और जो रिएक्शन होगी वो धीमी हो जाएगी। तो इस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम अगला देखते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर और पीएच का कुछ खास रिश्ता है, क्योंकि टेम्परेचर और पीएच में लगभग एक समान के चेंज होते हैं। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम
टेम्परेचर पे ही कोई एंजाइम एक्टिव होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। देखो टेम्परेचर बेलो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन की गति भी बढ़ती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है रिएक्शन की वो बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन ऑप्टिमम रेंज में। कहाँ पर? ऑप्टिमम रेंज पे, ना बहुत ही एक्सट्रीम और ना ही बहुत ही पास में। जैसे कि आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो जो एंजाइम होगी डीनेचर कर जाएगी, और कम दे देंगे तब भी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसी होती हैं जो इसको फॉलो नहीं करती, जैसे कि टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का नाम आप लोग सुने होंगे, एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तो टैग पॉलीमरेज तो अच्छे से जानते होंगे। टैग पॉलीमरेज ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम करती है, वहीं पर सह और अगली है काइनेज हुआ, मसल एडिनाइलेट हुआ, फास्फोकाइनेज हुआ, ये सब फॉलो नहीं करती हैं इसको, ये सब ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्टिव होती हैं। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, किस पे? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ये वाला आपको दिखाया क्या है, ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि ये लगभग 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 यानी कि आपके बॉडी टेम्परेचर के आसपास एक्टिव ज़्यादा होती हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो ये एक्टिव होती हैं ऑप्टिमम पीएच पे ही क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे कि पेप्सिन है 1 से 2 पीएच पे एक्टिव होती है, एमाइलेज है, पेप्सिन आपकी 1 से 2 पीएच पे, एमाइलेज 4 से 10 पीएच पे, आर्जिनेज 8 से 10 पीएच पे, और एल्कलाइन फास्फेट 9 से 10 पीएच पे, एसिड फास्फेट 4 से 5 पीएच पे। ये एक्सेप्शन है जो ऑप्टिमम पे नहीं है। और ऑप्टिमम क्या होगा इसका, ऑप्टिमम क्या होगा 6 से 8। तो ये ऑप्टिमम हो गया 6 से 8, इस पे क्या होगी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिव होती हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो होती हैं वो इसको फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि बहुत ही एसिडिक मीडियम में एक्टिव होती हैं, या बहुत ही बेसिक मीडियम में एक्टिव होती हैं, या दोनों मीडियम में एक्टिव होती हैं। जैसे कि ये देखो एमाइलेज, ये 4 से 10 है, ये एसिडिक में भी एक्टिव है और बेसिक में भी एक्टिव है। पेप्सिन तुम्हारा एसिडिक में एक्टिव है, एसिडिक मीडियम में, और आर्जिनेज तुम्हारा 8 से 12, और एल्कलाइन फास्फेटेज 9 से 10, और एसिड फास्फेटेज 4 से 5 हो गया। तो आपका ये पीएच हो गया। अब हम अगला देखने वाले हैं एक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर के बारे में बात पढ़ लेंगे। एक्टिवेटर देखिए, जो एक्टिवेटर होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, मेटल आयन होते हैं, नॉन मेटल भी हो सकता है, ध्यान रखिए। क्लोराइड किसको करता है, एमाइलेज को, तो ये ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल भी हो सकता है। जिंक का बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल आप मेटेलो एंजाइम में भी पूछ सकता है, तो मेटेलो एंजाइम भी साइड नोट में आ जाता है और साथ में ऐसे भी आ जाता है, तो ठीक है, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक्टिवेटर या मेटल आयन जैसे कि आपका देखो जिंक तुम्हारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसको क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को क्या करता है इंक्रीज। तो ये जिंक को फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में। वहीं पर क्लोराइड जो नॉन मेटल है, ध्यान रखिएगा नॉन मेटल है, वो एमाइलेज को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। मैग्नीशियम, यहाँ पे +2 लिख लीजिएगा, ठीक है, मैग्नीशियम +2 एंड कैल्शियम +2 एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और कॉपर और आयरन किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज की। तो ये एक्टिवेटर हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में एंजाइम इनहिबिशन, व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन और उसके कितने प्रकार हैं, और साथ में डिटेल उसके एग्जाम्पल कितने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं आपके एग्जाम में। चलिए एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो एंजाइम इनहिबिशन होता है, कोई भी रिएक्शन होती है वो तो या रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि फिर से वापस लौट सकती है, या फिर से वापस ना लौटे, दो प्रकार के बांट सकते हैं। तो जो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोवेलेंट बांड बन जाता है इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में, इनहिबिटर और सब्सट्रेट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है, चाहे जितना सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप ज़्यादा कर दिए तो वो
इरिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि फिर से वो रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि इनहिबिटर से ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन किसका, एंजाइम का, और वो रिएक्शन हो जाएगी। तो जो रिवर्सिबल होता है उसमें नॉन कोवेलेंट, देखिए जो रिवर्सिबल होता है वो क्या होता है, नॉन कोवेलेंट, रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बांड बन जाएगा, और इरिवर्सिबल में कोवेलेंट बांड बन जाता है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, इसीलिए वो फिर से वापस नहीं जा पाती क्योंकि उस बांड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और इतनी एनर्जी हमारे पास में होती नहीं है तोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल ही रह जाएंगी। तो जो रिवर्सिबल यानी कि नॉन कोवेलेंट के एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव, तीन एग्जाम्पल आपके हैं रिवर्सिबल के। वहीं पर अगर इरिवर्सिबल में देखा जाए तो क्या है, सुसाइड इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, तो एग्जाम्पल सुसाइड इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, इतना लिखने पर आप एंजाइम इनहिबिशन में नंबर पूरा पा सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर ही आ जाता है फीडबैक इनहिबिशन, इंडक्शन, रिप्रेशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, स्टेबिलाइजेशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पर शुरू करते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और साथ में ग्राफ देखेंगे। ग्राफ और साथ में एग्जाम्पल बना के आप जरूर आइएगा एग्जाम में, क्योंकि इसको देख के आपका टीचर खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा कि लड़के ने ग्राफ और एग्जाम्पल लिखे हैं, बस नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल और ग्राफ जरूर याद करिए। तो शुरू करते हैं, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है यानी कि कम्पीट कर रहा है किसी की तरह, किसी चीज़ के लिए कम्पीट कर रहा है, किसके लिए कम्पीट कर रहा होगा, एंजाइम के पास में क्या है, एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट के लिए ही कम्पीट कर रहा होगा। मान लीजिए कोई लड़की है आपके कॉलेज में और दो लड़के उसके पीछे पड़े हैं, ठीक है, तो जो उसमें ज़्यादा सुपीरियर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, वही तो पटा पाएगा उसको। तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, ताकि पटाने मत लगना, कंपटीशन मत करने लगना, ठीक है। तो जो इनहिबिटर होता है, और भाई एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एक ही एग्जाम पास करके आए हैं, एक ही तरीके का कदकाठी होगा, लगभग सेम जैसे दिखते होंगे, भाई आदमी होंगे ना, कोई भैंसा थोड़ी आ जाएगा पटाने, तो सेम होंगे। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा उसमें सेम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होंगी, और सेम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने के कारण एक्टिव साइट पे दोनों लपकेंगे कि हम जाके जुड़ जाएं। तो इनहिबिटर रिसेम्बल सबस्ट्रेट एंड कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम की उससे बाइंड करना चाहेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, इसलिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी जाके उससे अटैच हो जाएगा। अगर मान लो इनहिबिटर अटैच हो गया तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप, यानी कि एक का काम खत्म। अगर वहाँ पे इनहिबिटर नहीं जा पाया, अगर एंजाइम गई तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, यानी कि जो क्या होगा, इनहिबिटर रिसेम्बल सबस्ट्रेट एंड कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। देखिए यहाँ पे ये एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट है, और ये इनहिबिटर है जो रिसेम्बल कर रहा है सबस्ट्रेट से, यानी कि जो रिसेम्बल कर रहा है किससे, सबस्ट्रेट से। अब ये जो इनहिबिटर है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मान लिया मैंने, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये जाके यहाँ पर घुस गया और ये बना लिया प्रोडक्ट, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। जाना था विद्यालय और पहुँच गए शौचालय, यानी कि बनाना था हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और यहीं पर खेला हो गया खत्म। इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जाता है अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी कि लड़के को ले लो मान लो तो उसको अमीर बना दें, बाइक वाइक खरीदवा दें, गाड़ी वाड़ी लिवा दें, तो लड़कियां कहेंगी चलो घुमाओ, ठीक है। इसमें ध्यान देखिएगा, जो केम होता है वो इंक्रीज होता है लेकिन बी मैक्स अनचेंज रहता है। बी मैक्स क्या होता है, अनचेंज रहता है, केम क्या होता है, इंक्रीज होता है। केम मतलब मिचेलिस कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा, मिचेलिस कांस्टेंट इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहाँ जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि एफिनिटी केम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए मौका मिल गया इनहिबिटर को, और इनहिबिटर क्या करेगा, अटैच कर गया एंजाइम से और बना लिया क्या, एंजाइम
इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, या ये प्रोडक्ट नहीं है आपका, ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है। KM इंक्रीज होगा, Bmax अनचेंज रहेगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ग्राफ और एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा, ग्राफ और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसके बिना लिख के आएंगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेगा। देखिए ये था नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, Bmax पे पहुंच रहा था और उसके बाद में फ्लैटन हो जा रहा था, रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। ये सब्सट्रेट कंसंट्रेशन था और ये क्या थी आपकी वेलोसिटी थी, ये क्या थी वेलोसिटी था, ये Bmax था, ये Bmax बाई 2 था, तो ये इसका नेचुरल KM यानी मेजरिस कांस्टेंट था। लेकिन अब आपके पास में क्या गया, इनहिबिटर, ये जाके जुड़ गया, तो जो रिएक्शन होगी वो लोअर डाउन होगी, जो वेलोसिटी होगी वो लोअर वेलोसिटी होगी, वो अनचेंज है। देखिए Bmax तक पहुँच रहा है, Bmax तक पहुँच रहा है, लेकिन जो KM है, KM क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। देखो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया KM, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया KM, तो KM क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन Bmax क्या है, अनचेंज है। अगर इसको लॉगरिथम में देखा जाए, मतलब वन बाई के फॉर्म में देखा जाए, वन अपान KM के फॉर्म में देखा जाए, यानी कि वन अपान बी वर्सेस वन अपान यस लॉग अगर ग्राफ किया जाए, तो इसमें आप देख सकते हैं वन अपान KM है, और ये तुम्हारा बिना इनहिबिटर के है, सीधे जा रहा है। उसके बाद में जब इनहिबिटर डाला गया तो KM क्या हो गया, इंक्रीज हो, वन बाई KM क्या हो गया, वन बाई KM क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा, वन बाई KM डिक्रीज होगा, KM इंक्रीज होगा, तो वन बाई KM, ये KM बढ़ गया तो ये वन बाई KM क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये जाके इनहिबिटर के उपस्थिति में ये गया। वन बाई Bmax ये सेम है, वन बाई Bmax दोनों के लिए क्या है, सेम है, यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, तो वन बाई Bx दोनों के लिए क्या है, सेम है, यहाँ जो पॉइंट है वन बाई Bmax है, दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये ग्राफ हो गया। अब हम अभी तक हम पढ़े हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ वी गोइंग टू, सॉरी अभी तो इसके एग्जांपल देखने हैं ना, तो एग्जांपल तो अभी पढ़े ही नहीं है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, उसे वीडियो लेक्चर बड़ी हो जाएगी। देखिए एग्जांपल जो है मेथोट्रेक्सेट अमीनोप्टेरिन, मेथोट्रेक्सेट है, अमीनोप्टेरिन है, ये इनहिबिट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज को, किसको इनहिबिट कर देता है, डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है। वहीं पर इथेनॉल इनहिबिट कर देता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, मैलोनेट इनहिबिट कर देता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को, एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट कर देता है जैंथिन ऑक्सीडेज को। तो ये क्लासिकल एग्जांपल हो गया, ये तो बिल्कुल क्लासिकल है, इसको तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए MSD अच्छा ईटा, MSD अच्छा M से मैलोनेट किसको इनहिबिट करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को, ए से एलोपिरिनॉल किसको इनहिबिट करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज को, ई से इथेनॉल किसको इनहिबिट करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को। तीन एग्जांपल अगर आप याद कर पाए तो याद कर लीजिए और ग्राफ बना के आएंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब हम अगला पढ़ते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे होते हैं क्योंकि एक्टिव साइट के लिए कोई लड़ाई नहीं होती, एक्टिव साइट के लिए कोई लड़ाई नहीं होती क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं है। अब कोई किसी मनुष्य से कोई भैंसा थोड़ी लड़ने आएगा कंपटीशन के लिए, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ही नहीं है भाई, हमको चाहिए ही नहीं। तो नो कंपटीशन फॉर बाइंडिंग बिकॉज नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए बाइंडिंग के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा, बाइंडिंग के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा। बाइंड्स करेंगे कहाँ पे, इनहिबिटर कहाँ पर बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट पे। अब एलोस्टेरिक, जब आपको एलोस्टेरिक रेगुलेशन पढ़ाएंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम आपके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप केवल ध्यान रखिएगा कहाँ पर बाइंड करते हैं, एलोस्टेरिक साइट पे, कहाँ बाइंड करेंगे, एलोस्टेरिक साइट पे। और इसमें बनता है एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, यानी कि सब्सट्रेट भी जुड़ा हुआ है, एक्टिव साइट से जाके जुड़ गया सब्सट्रेट, इनहिबिटर जुड़ जाएगा एलोस्टेरिक साइट से और बन जाएगा एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अगर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा दें, ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि गया काम हो गया इसका, दोबारा रिवर्स नहीं होगा। KM अनचेंज होगा, Bmax डिक्रीज होगा, इसमें KM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी होगी, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज हो गई है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं सिंपल सा। देखिए Bmax हाइयर है, जो हरा वाला है वो क्या है, विथआउट इनहिबिटर है, ये क्या है, विथ इनहिबिटर है, Bmax बाई 2, ए Bmax बाई 2, इसका Bmax क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और ये तो पहले रिएक्शन का है, एक्चुअल रिएक्शन का। KM क्या है, अनचेंज है, KM क्या है, अनचेंज है,
केएम क्या है, अनचेंज है। वहीं पर अगर 1/V0 वर्सेस 1/S अगर ग्राफ देखें तो केएम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1/KM दोनों पॉइंट यहाँ पर आएगा और दोनों का बी मैक्स डिफरेंट है, यानी कि 1/V max और 1/V max डैश, यानी कि ये क्या है, इनहिबिटर, जो रेड वाला, जो ऑरेंज वाला वो क्या है, इनहिबिटर के साथ में है। तो ये आप ग्राफ देख लीजिएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि फ्लोराइड जो होती है वो इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट करती है इनोलेज को। तो फ्लोराइड इनहिबिट करती है इनोलेज को, NaF इसमें क्या होता है, NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है 1:3 रेशियो में। जो NaF होता है पॉइजन की तरह काम करता है, रैट पॉइजन भी होता है, इसे रैट पॉइजन कहते हैं, आप NCERT पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री के। तो रैट पॉइजन होता है NaF, वन एक प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलिसिस को, ग्लाइकोलिसिस को होने नहीं देता, इसलिए चूहा मर जाता है, ठीक है। तो NaF क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है। वहीं पर पोटेशियम ऑक्सलेट तुम्हारा जो 3 के ज़्यादा के रेशियो में वो क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। अगर आपका कहीं चोट लग गया तो आपका खून ही जमने नहीं देगा, अब खून ही नहीं जमने देगा तो आज पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पूरा खून उसका बह जाएगा, इस्केमिया हो जाएगा, उसके बाद हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होने के बाद में टिश्यू डैमेज होगा और आदमी निपट जाएगा। वहीं अगला एग्जांपल देखते हैं, लेड Ag और Hg, लेड चांदी और मरकरी ये तुम्हारे इनहिबिट करते हैं सेरीन प्रोटीएज को। तो सेरीन प्रोटीएज को कौन इनहिबिट करेगा, लेड Ag और Hg किसको इनहिबिट करेंगे, सेरीन प्रोटीएज को। अब ये एग्जांपल हो गया किसका, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें बी मैक्स और KM दोनों डिक्रीज होते हैं, यानी कि KM डिक्रीज हो गया। हाँ यार, एक तो समझे होगे कि KM डिक्रीज हो गया, यानी कि एफ एन टी ऑफ एंजाइम भी सबसे इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या, बी मैक्स भी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो बी मैक्स भी डिक्रीज हो रहा है और KM भी डिक्रीज हो रहा है। नॉट बाउंड विथ फ्री एंजाइम, जो इनहिबिटर होता है यहाँ पे वो फ्री एंजाइम से कभी बाइंड नहीं करता है, वो किससे बाइंड करेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। ध्यान रखिएगा, फ्री एंजाइम से कभी बाइंड नहीं करता, किससे बाइंड करता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्लेसेंटल एल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है उसे वो इनहिबिट करता है फेनिल एलेनिन को। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्लासिकल एग्जांपल क्या है, प्लेसेंटल एल्कलाइन फास्फेटेज इनहिबिट करता है फेनिल एलेनिन को। प्लेसेंटल एल्कलाइन फास्फेटेज को रीगन आइसो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीगन आइसो एंजाइम भी कहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अलग से पूछा सकता है, सुसाइड इनहिबिशन। तो सुसाइड इनहिबिशन क्या है भाई, इरिवर्सिबल है, चेंज हो ही नहीं सकता। एक बार अगर हो गया तो हो गया, कोवेलेंट बांड बन गया, अब तोड़ने वाला नहीं है, हमारा प्यार बहुत गहरा है, अब छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा तो इरिवर्सिबल है, यानी कि मैकेनिज्म बेस्ड, जो जिस मैकेनिज्म में बेस्ड होता है, किस मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, इनएक्टिवेशन, यानी कि इनएक्टिव हो गई है वो एंजाइम, अब वो एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दिया, अब आगे काम नहीं होना है, तो इरिवर्सिबल होता है। और जो मैकेनिज्म बेस्ड होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जिसके DFV नर्व गैस, जो DFV नर्व गैस है वो इनहिबिट करता है सेरीन प्रोटीएज को इनहिबिट करता है और एसिटिल कोलिन एस्टरेज को। डाई सल्फिरान इनहिबिट करता है एसिटल डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को। वहीं पर एल्लो प्यूरिनाल जैंथिन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में जब चेंज होता है एल्लो जैंथिन में, तब इसे कहते हैं क्या, सुसाइड इनहिबिटर कहते हैं। यानी कि जब एक, ये आप लोग एल्लो प्यूरिनाल जानते हैं क्या है, एल्लो प्यूरिनाल क्या है, पहले ही क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर पहले ही है ये, और ये मोर पोटेंट फॉर्म में चेंज हो गया, तब ये क्या करेगा, सुसाइड इनहिबिशन करेगा। यानी कि एल्लो जैंथिन सुसाइड इनहिबिटर है, और ये किससे बनता है, एल्लो प्यूरिनाल जब जैंथिन ऑक्सीडेज से रिएक्शन करती है तो एल्लो जैंथिन बन जाता है, जो कि मोर पोटेंट फॉर्म है, और क्या करता है, सुसाइड इनहिबिशन करता है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होता है इस मैकेनिज्म का। यानी कि हमको क्या करते हैं, इसको एल्लो प्यूरिनाल को जैंथिन ऑक्सीडेज में देते हैं और चेंज होता है एलोजेंथिन में, जो कि सुसाइड इनहिबिटर होता है, जो कि हीम की सिंथेसिस को रोक देता है, आगे की रिएक्शन को, जो गाउट, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल को इकट्ठा नहीं होने देता है, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसलिए गाउट में यूज होता है। अब हम
इनहिबिशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फीडबैक इनहिबिशन अलग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इलस्ट्रेटिव इवोल्यूशन में ही बताएंगे इसको। तो ये क्या है फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन क्या है, जैसे सक्सेन को एंजाय, फीडबैक इनहिबिशन यानी कि जो प्रोडक्ट बना उसी के द्वारा इनहिबिशन हो जा रहा है, यानी कि सक्सेन को एंजाय में प्लस ग्लाइसिन जब एल्के अमीनो लिबुलिनिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है, अमीनो लिबुलिनिक एसिड सिंथेटेज की उपस्थिति में जब चेंज होता है डेल अमीनो लिबुलिनिक एसिड, ठीक है, तो इससे कई स्टेप के बाद में हीम बनता है, जो हीम बनता है वो क्या करता है, हीम बनता है उसी को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, हीम एला सिंथेज को ही इनहिबिट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ऐसे आप अगर फीडबैक रेगुलेशन भी कह सकते हैं अगर जेनेटिक लेवल पे हो, जैसे कि तुम्हारा जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है वो इनहिबिट कर देता है कोलेस्ट्रॉल की साइकिल को, यानी कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो भी एक इसका एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर इनहिबिशन खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम्स, अब हम शार्ट नोट यहाँ पर आ जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, शार्ट नोट में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है शार्ट नोट में आ सकता है एलोस्टेरिक एंजाइम या एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ये शार्ट नोट में आ गया, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और ये आगे आपके फार्मेकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप सबको पता होना चाहिए एलोस्टेरिक साइट क्या है, किस कितनी क्लास की एलोस्टेरिक एंजाइम होती हैं और क्या करती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, फार्मेकोलॉजी सेकेंड ईयर में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज़। देखिए जो एंजाइम होती है, उसमें दो तरीके की साइट होती हैं, एक होती है रेगुलेटरी साइट और दूसरी होती है कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट जाके सब्सट्रेट से जुड़ती है और जो रेगुलेटरी साइट होगी यहाँ पर आके एक्टिवेटर या इनहिबिटर आके अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या होती है रेगुलेटरी साइट, और रेगुलेटरी साइट को ही क्या कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, क्या कहते हैं एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ये इनको दो क्लास में बांटा गया है, जो के मैं के को चेंज करते हैं उन्हें क्या कहा गया, सॉरी जो के क्लास एक हो गया बी क्लास, जो के एम को चेंज करते हैं वो के क्लास, और जो बी मैथ को चेंज करते हैं वो क्या हो गया बी क्लास। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो के एम को चेंज करता है और वहीं पर बी मैथ को चेंज करने वाला एसिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेट। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं मॉड्यूलेटर होते हैं, मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम को चेंज कर देते हैं, मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को चेंज कर देते हैं, स्टिमुलेट ये स्टिमुलेट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं, या तो स्टिमुलेट करेंगे या तो इनहिबिट करेंगे। अगर ये स्टिमुलेट करेंगे तो रिएक्शन जैसी हो रही थी, यानी कि हाइपरबोला जो कर्व आ रहा था सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और बी नॉट के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ चल रहा वो हाइपरबोला आ रहा था वैसे आता रहेगा और स्टिमुलेट हो जाएगी रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अगर इनहिबिट करना है तो जो शेप होगा कर्व का वो कैसा हो जाएगा सिग्मॉइड कर्व हो जाएगा, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी में जो कर्व आएगा वो क्या हो जाएगा सिग्मॉइड हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं आपके एलोस्टेरिक रेगुलेशन के, यानी कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन से कि इंडक्शन है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ और कई सारे हैं, तो उनको डिटेल में देख लेते हैं, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को भी देखेंगे अच्छे से। तो अब हम देखते हैं इंडक्शन, देखिए इसका एग्जांपल हम पढ़ते चलते हैं और साथ में, क्योंकि इंडक्शन का आप मतलब समझ गए, इंड्यूस करना किसी को यानी कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना, जैसे कि आपकी जो ग्लूकोकाइनेज होता है ये इंड्यूस किसके द्वारा होता है इंसुलिन द्वारा, तो जो इंसुलिन होती है वो ग्लूकोकाइनेज को इंड्यूस कर देती है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। वहीं पर एला सिंथेज इंड्यूस बाई बारबिट्यूरेट्स, यही कारण है कि बारबिट्यूरेट्स डेरिवेटिव नहीं दिए जाते हैं अगर किसी को गाउट होता है, क्योंकि एला एलासिंथेज तुम्हारा क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा। तो ग्लूकोकाइनेज इंड्यूस बाय इंसुलिन, एलासिंथेज इंड्यूस बाय बारबिट्यूरेट्स। रिप्रेशन जैसे कि डीएनए रिप्रेशन, अब क्या क्या जेनेटिक लेवल पे होता है, जैसे कि आप लाइकोपेरान पढ़ के आए होंगे तो कुछ ये आइडिया तो होगी क्या बना हुआ है डीएनए, इसमें रेगुलेटर
जीन बना हुआ है, ऑपरेटर और उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन दिखाया हुआ है। अब इनको तीनों जब फंक्शन करेंगे, यहाँ पर कोई जीन आके अटैच होगी और आगे ऑपरेटर पे जाएगी, ऑपरेटर आगे जाके स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन जीन क्या बनाएगा आपका, स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगा, एला सिंथेज बनाएगा। और एला सिंथेज हेल्प किस में करेगा, हीम सिंथेसिस में। किस में हेल्प करेगा, हीम सिंथेसिस में। तो जो रेगुलेटर होता है इस पर एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर, एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर अटैच हो जाते हैं, और इनको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, होलो रिप्रेसर। होलो रिप्रेसर जाके अटैच हो जाता है ऑपरेटर साइड पे, ऑपरेटर साइड पे अटैच्ड हो गया तो स्ट्रक्चरल जीन से एला सिंथेज नहीं बन पाएगा, और एला सिंथेज नहीं बन पाएगा तो हीम का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रेशन हो गया। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन मीन होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम मे इंक्रीज आर डिक्रीज। जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है इसके द्वारा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि कोवेलेंट बांड बन भी सकता है और कोवेलेंट बांड टूट भी सकता है। इसीलिए जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होगा मे इंक्रीज आर डिक्रीज। जाइमोजन एक्टिवेशन बाई पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, इसका एग्जाम्पल क्या है, जाइमोजन एक्टिवेशन। जो जाइमोजन होते हैं उसका एक्टिवेशन होता है किसके द्वारा, अगर हम पार्शियल प्रोटियोलाइसिस करवा दें। प्रोटीन फास्फोराइलेशन, जो प्रोटीन फास्फोराइलेशन होता है उसका भी एक्टिवेशन क्या है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और एडीपी राइबोसाइलेशन, ये किसका एग्जाम्पल है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो आपका एग्जाम्पल इस पर ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलाइजेशन और कंपार्टमेंटेलाइजेशन। तो कंपार्टमेंटेलाइजेशन और स्टेबिलाइजेशन देखते हैं। देखिए कंपार्टमेंटेलाइजेशन में क्या है, जैसे माइटोकांड्रिया हुआ, हीम सिंथेसिस में हुआ, यूरिया साइकिल जब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आएंगे कि कुछ एंजाइम ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ पाई जाती हैं, कोई मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, कोई तुम्हारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाई जा रही है एंजाइम, तो वो एक मेम्ब्रेन को उनको पार करके अलग साइट पे जाना होता है। जैसे कुछ एंजाइम होती हैं स्पेसिफिक साइट पे पाई जाती हैं, कुछ मैट्रिक्स में ही पाई जाती हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। तो जब मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म में अलग अलग होगा तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करना पड़ेगा, यानी कि वो बैरियर की तरह काम कर रही है, कंपार्टमेंट बन गया, यानी कि जहाँ का जो एंजाइम है वहीं पर वो अपना काम कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे माइटोकांड्रिया, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल में जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि ओटीसी, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज ट्रांसफर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके जाता है, तो वो जब यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे से। इसके बारे में समझ लीजिए कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है सेल में, ठीक है। स्टेबिलाइजेशन क्या है, जैसे एंजाइम जो बियर एंड टियर होती हैं भाई, जो एंजाइम क्या होती हैं, टूट फूट जाती हैं, अगर इनके टूटने फूटने को हम रोक ले जाएं किसी तरीके से तो इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही कह, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ट्रिप्टोफैन पायरोलेज है, डिग्रेडेशन उसका रुक जाता है किसके द्वारा, ट्रिप्टोफैन द्वारा। तो ट्रिप्टोफैन डिग्रेडेशन किसका रोक होता है, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज का, इसलिए उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे एंजाइम जिसमें SH ग्रुप होता है वो स्टेबलाइज किसके द्वारा होते हैं, ग्लूटाथियोन के द्वारा। तो ऐसे एंजाइम जिनमें क्या होता है SH ग्रुप होता है वो स्टेबलाइज किसके द्वारा होते हैं, ग्लूटाथियोन के द्वारा, जैसे कि पेपेन, यूरेज, सक्सनेट डिहाइड्रोजनेज, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक लेक्चर और आएगा आपका एंजाइम ख़त्म हो जाएगा, और एंजाइम में जो अगला बचा हुआ है उनको बस एक दो दिन में आ जाएगा वीडियो। तो अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।